दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना में बढ़ते जल स्तर से निचले इलाकों पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। इसी के साथ दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया है। जाहिर है ऐसा इसलिए क्योंकि यमुना नदी में जल स्तर के खतरे का निशान को पार करने की आशंका जताई गई है। अधिकारियों का कहना है कि रविवार की शाम यमुना नदी में जल स्तर 203.37 मीटर तक जा पहुंचा और सोमवार तक बढ़कर 207 मीटर तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से शाम 6 बजे 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बता दें कि पूर्वी दिल्ली जिला ने एक आदेश में कहा, भारी बारिश के कारण जल स्तर बढ़ रहा है और साथ ही हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने और यमुना का जल स्तर कल सुबह 10 बजे तक 207 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे जान माल के नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। सभी उप विभागीय मजिस्ट्रेटों को सोमवार सुबह 9 बजे तक दिल्ली पुलिस और नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की मदद से निचले इलाकों के लोगों को निकालने का निर्देश दिया गया। दूसरी ओर अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा से रविवार को थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे 8,14,000 क्यूसेक पानी हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया था। दिल्ली सरकार ने कहा है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समायोजित करने के लिए आसपास के इलाकों में टेंट लगाने की तैयारी कर दी गई है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए रविवार शाम को अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।